संजू सैमसन और हिट मायर की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से राजस्थान ने गुजरात पर जीत हासिल कर ली। और आज हमें देखने को मिलेगा आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। तो आइए इस मैच की बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक यू। चेन्नई सुपर किंग्स अच्छी टीम लग रही है, लेकिन स्टोक्स के ना होने से और दीपक चहर की चोटिल हो जाने की वजह से इस टीम में कमी आ गई है। और ये टीम धोनी पे ज़्यादा निर्भर कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मैच में धोनी अगर 30 रन नहीं बनाते तेजी से तो चेन्नई सुपर किंग्स बहुत मार्जिन से भी हार सकती थी राजस्थान के खिलाफ। लेकिन धोनी की तूफानी पारी की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स मैच जीतने के कगार पर भी आ गई थी। दूसरी तरफ आरसीबी के मिडल ऑर्डर बहुत ख़राब है, विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी पे इतने निर्भर कर रहे हैं कि अगर ये दोनों किसी मैच नहीं चले तो पूरा मिडल ऑर्डर क्लब्स हो सकता है और एक टीम 100 के अंदर भी ऑलआउट हो सकती है, क्योंकि इस टीम में मिडिल ऑर्डर में इस टीम में बिल्कुल भी ताकत नहीं नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की ताकत है इनके ऋतुराज गायकवाड़, अगर ऋतुराज गायकवाड़ चल गए तो टीम बढ़िया लगती है। और ये अगर ऋतुराज गायकवाड़ चल गए तो अपने आप ही पूरी टीम को लेके चलते हैं और स्कोर बड़ा कर सकते हैं। और आरसीबी की ताकत है वनेंदु हसरंगा अगर चल गए तो वो आरसीबी को की प्लेयर का विकेट लेके आरसीबी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो भाई ये बात करते हैं राजस्थान और गुजरात के मैच में। लोग संजू सैमसन की तारीफ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इन्हें इंडिया के लिए खेलना चाहिए, हाँ मौका देना चाहिए, पर वर्ल्ड कप करीब आ चुका है और मैंने वीडियो बनाई है टॉप 14 में कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए। तो मैंने बात करी है 14 नंबर पे किसे बल्लेबाजी करनी चाहिए, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो देखिए। और मैंने कहा है कि आप इन तीनों प्लेयर में से एक को चुन लें और उसे मौका दें, क्योंकि अगर आप अब चेंज करेंगे अभी तीन मैच के लिए संजू सैमसन फिर के राहुल तो वर्ल्ड कप बहुत तेज़ी से आ रहा है और ऐसा नहीं निकल जाएगा कि आप फिर आप रोते रहेंगे हमें ऐसे मौका नहीं दिया ऐसे मौका नहीं दिया। तो अब टाइम आ गया है हमें एक प्लेयर पर चुनना पड़ेगा। तो संजू सैमसन और हिट मायर जितनी तारीफ की अपनी कम, क्योंकि मैच एक तरफा करके हरा देना गुजरात को जो डिफेंडिंग चैंपियन है बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और एक बार आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत हेल्प होगी चैनल को। तो जय हिंद जय भारत।